हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएफएससी कोड क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों, बैंकिंग के जो है कार्यों में जो है आईएफएससी कोड की डिमांड होती है और ये आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और ये किसी भी बैंक के ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। दोस्तों, अगर आपको भी अपना आईएफएससी कोड फाइंड करना है, जो भी आपके बैंक का ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड फाइंड करना है, तो ये आपके बैंक के पासबुक पर प्रिंट हो सकता है या बैंक के द्वारा प्रोवाइड चेकबुक के ऊपर भी आपको आईएफएससी कोड प्रिंट दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई केसेज में हमको आईएफएससी कोड जो है फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियो में जो है कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन अपने बैंक का आईएफएससी कोड या किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड कैसे फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईएफएससी कोड को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल को ओपन करना है और सर्च करना है आईएफएससी कोड। आपको सर्च बार में टाइप करना है आईएफएससी कोड और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके स्क्रीन पर कुछ लिंक ओपन होकर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली जो गूगल की हेल्प से आईएफएससी कोड फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे गूगल में आप आईएफएससी कोड टाइप करके सर्च करेंगे, आपको ढेरों वेबसाइट जो है दिखाई देंगी। तो यहाँ पर किसी एक वेबसाइट को ओपन कर आप आईएफएससी कोड फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ रही है, जो कि www.policybazaar.com, मैं इसको ही क्लिक करता हूँ और आईएफएससी कोड फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईएफएससी कोड फाइंड करने के लिए जो है यहाँ पर एक पेज आ गया। अब हमको यहाँ पर जो है आईएफएससी कोड फाइंड करने के लिए कुछ डिटेल्स हमसे मांगा जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूँ कि कभी भी आईएफएससी कोड फाइंड करते वक्त आप किसी ऐसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट नंबर या कोई भी आईएफएससी कोड वहाँ पर डालने मत लग जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों केवल आपको अपने बैंक या ब्रांच का जो है डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि फाइंड आईएफएससी कोड फॉर बैंक्स इन इंडिया, मतलब बैंक जो भी इंडिया के हैं उसके जो आईएफएससी कोड आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट बैंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जितने भी इंडिया में बैंक है सभी के जो है नेम आपको यहाँ पर दिखेंगे, तो आपका जो भी बैंक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है आईएफएससी कोड फाइंड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यूपी से हूँ, तो उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का जो है ऑप्शन आएगा। अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी सिटी है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर वाराणसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, नीचे जो है सिलेक्ट ब्रांच का जो है ऑप्शन आएगा। अब वाराणसी के जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच रहेंगे वो सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। अब आपको इस लिस्ट में अपने बैंक का ब्रांच ढूंढना है, तो यहाँ पर जो है मेरा जो ब्रांच है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे बैंक के ब्रांच से रिलेटेड जो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई है। आईएफएससी कोड भी आ गया है, IMCR कोड भी आ गया है, बैंक नेम भी आ गया है, एड्रेस भी आ गया है, डिस्ट्रिक्ट भी आ गया है, स्टेट भी आ गया है, ब्रांच भी आ गया है। तो इस तरह से डिटेल्स जो है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच का जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। और इस तरह से आप बहुत ही इजीली जो है दोस्तों किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड जो है किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच के आईएफएससी कोड फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इस वीडियो की मदद से बहुत ही आसानी से आईएफएससी कोड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।